अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनका वेलकम टू माय चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ। और यहाँ पर ये देखें, मैं बनाने जा रही थी दही। जो लेफ़्ट ओवर दही था, यानी जो छाछ बची हुई थी, उसमें मम्मा ने मुझसे कहा था कि तुम हाफ कप मिल्क ऐड कर दो। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड करी हूँ। मुझे न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मा ने कहा यह दही खुद से बन जाएगा सुबह तक के, एकदम फ्रेश और घर का बना हुआ दही। तो मैंने इसको ट्राई करने के लिए ये इसमें हाफ कप मिल्क डाल दिया। जो लेफ़्ट ओवर था, यानी 2 टेबल स्पून छाछ लेफ़्ट ओवर बची थी, तो उसमें मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड कर दिया। और ये वाकई में बहुत अच्छा दही बना था, और मैं आगे और भी एक्सपेरिमेंट करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। यहाँ मैंने इसे कवर करके रख दिया रात भर के लिए, और सुबह उठती हूँ मैं, और ये है अगला दिन। सुबह उठती हूँ सबसे पहले, कभी 7 बज जाते, कभी 6, कभी 5। आज 7 बजे उठी थी, और सोकर के उठते साथ ही दुआ पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना बादा ममातना व इलैहिन नुशूर। और यहाँ पे फिर उठ करके करती हूँ ब्रश, जो कि सभी करते हैं। और बस ये देखिए, सबसे पहले उठ के पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी पीना बहुत 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 ज़रूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ देखिए दही हो गया था रेडी, और इसे मैंने खाया था, क्योंकि सुबह सुबह दही खाती हूँ मैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुबह ऐसी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए, जिससे आपका डे अच्छा स्टार्ट हो। और यहाँ पे ये देखें, डालती हूँ पेड़ों में पानी। जिस तरीके से मुझे पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से मेरे पेड़ों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, कभी कभी मम्मा भी डाल देती हैं, लेकिन फिर भी मैं डालती हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले इन्हें पानी देना अच्छा लगता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी अच्छी लगती है। और यहाँ देखें, सुबह हो चुकी है, और सुबह के अज़कार में पढ़ती हूँ, जब पेड़ों में पानी डालती रहती हूँ साथ में अज़कार पढ़ती रहती हूँ। अज़कार है, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैकिन नुशूर। और साथ ही साथ पढ़ती रहती हूँ इस्तग़फ़ार की तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह। और यही हमें, और यही टाइम होता है जब हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है। और यहाँ पे देखें, मून मुझे दिख रहा था सुबह सुबह, तो मैं शॉक हो गई कि इतनी सुबह सुबह मुझे मून कैसे दिख रहा है। यहाँ पे ये 8 बजे का टाइम है, और यहाँ पे ये मून मुझे साथ में नज़र आ रहा था, तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। और यहाँ पे देखिए, मम्मा लेकर के आ गई थी मेरे लिए ब्रेकफास्ट। ज़्यादातर चाय पीती हूँ मैं, और आजकल गर्मी मुझे एग नहीं पसंद, लेकिन मम्मा बना लाई तो मैंने खा लिया, कुछ भी नहीं कहा उनको। और यहाँ पे मेरी बहन बहुत ज़िद कर रही थी बाहर जाने के लिए, ये देखें पापा के साथ वो उठ करके बाहर गई। और ये देखें, स्टार्ट हो गया मेरा काम। ये सबसे ऊपर का फ्लोर, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है फ्लोर, इसलिए कभी आप लोगों को इस फ्लोर का कभी व्यू नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, ये हाफ कम्प्लीट है। तो यहाँ पर सोफ़े रख दिए, क्योंकि मेरी जिससे सोफ़े आ गए थे, और सोफ़े बहुत बड़े हैं, तो नीचे एक साथ एरिया में नहीं आ पा रही, नीचे वाला एरिया छोटा हो जाता है, और इसलिए 2 सोफ़े ऊपर रख दिए हैं, साथ में टेबल रख दिया है। और यहाँ पर झाड़ू दे दिए, और ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर डन। और बस यहाँ अब बालकनी की झाड़ू देनी थी, बालकनी की झाड़ू पहले पानी डाल देती हूँ, फिर उसके बाद बालकनी की झाड़ू दे देती हूँ। और काफ़ी काम होते हैं मुझे, और ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरी मम्मा कपड़े धोती हैं, और मेरे मम्मा खाना बनाती हैं, और मेरी बहन को संभालती हैं, तो इसलिए सफाई की जिम्मेदारी मेरी होती है। और बस ये देखें, यहाँ हो गई बालकनी भी साफ़। और काफ़ी टाइम लग जाता है, अगर मैं 7 बजे भी उठती हूँ तो मेरा काम कंप्लीट होता है 2 बजे तक के। और यहाँ पे ये देखें, मैं बर्तन को भी ले आई थी ऊपर, जो चले गए थे चाय वगैरह के लिए, तो वो भी मैं नीचे ले आई हूँ, और बर्तन भी धो दूँगी। और यहाँ पर दिखा रही थी आप लोगों को कि मेरा घर आज कितना ज़्यादा ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। असल में ये सब गंदा किया है मेरे भाई ने, वो जब भी स्कूल जाता है, उसको बिल्कुल टाइम नहीं होता, उसका स्कूल भी ओपन हो गया, वो सारी चीज़ें ऐसी फेंक करके जाता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के भाई ऐसे ही करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई ऐसा करता है। और यहाँ देख लें कितनी तेज़ धूप निकली थी। और ये बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी नीचे के फ्लोर की सफाई। सबसे पहले साफ़ किया सोफ़ा, और सोफ़ा बहुत गंदा हो गया, पहले मैंने सोचा ऐसे झाड़ लूँ, फिर मैं कहीं पूरा ही सोफ़े का कवर निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ती हूँ। और यहाँ पे दे रही हूँ झाड़ू नीचे की फ्लोर की, और यकीन करें पूरा टाइम ऐसा लगता है कि कुछ भट्टी जल रही हो, क्योंकि ना फ़ैन ऑफ़ करके करनी पड़ती है सफ़ाई। और यहाँ पर दे रही हूँ सीढ़ियों की झाड़ू, और इसके ऊपर वाला फ्लोर भी है, वो उसमें भी झाड़ू नहीं दिए, क्योंकि वो वाला फ्लोर काफ़ी गंदा हो गया, और क्योंकि जब थोड़ी बहुत आंधी वगैरह आ जाती तो और भी गंदा हो जाता है, वो भी साफ़ करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे हो गया है घर क्लीन, और ये देखें बिल्कुल साफ़ और सुथरा हो गया, बस वो एरिया एक छोटा सा जो सोफ़े के पास है, वो पता नहीं क्यों इतना गंदा लग रहा है, और वो अभी ठीक नहीं हुआ, सोफ़े का कवर मैं ठीक से नहीं डाल पाई जल्दी जल्दी में। और यहाँ पे मैंने फ़ैन कर लिया है ऑन, क्योंकि बहुत देर से गर्मी होती है, और बिल्कुल फेस पे दाने निकल आते हैं, इतनी गर्मी हो रही है आजकल। और यहाँ पे एक टेबल रह गया था, ये टेबल हटाना है, मेहमान आए हुए थे तो टेबल निकाल दिया था, इसको हटा देंगे। और ये देखें, ये एरिया भी कर दिया है नीट एंड क्लीन।
और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को भी कितना टाइम लगता है घर साफ़ करने में। और ये दो अलमारियां हैं, ये दो शेल्फ्स हैं, इनको मुझे करना है क्लीन। और ये इंशाल्लाह आप लोगों से जब क्लीन करूँगी तो आप लोग से इसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो भी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और क्योंकि इसके बाद करनी होती है पढ़ाई, तो ऊपर अगर मेरी बहन सो रही होती तो नीचे ही बैठ के करती हूँ, क्योंकि ऊपर लाइट ऑफ होती है। और यहाँ पे पानी भी भर दिया है, काम हो गया ख़त्म। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।